मेरे को राशन का दिलासा दिया गया, मुझे रक्षे में बिठा के ले जा के मुझे नशा दिया, मेरे से नाइंसाफी की। वे मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी समझ के पी लिया, फिर मेरी आंखें गहरी हुई, मेरे को कुछ पता नहीं चला। बेहोश करके इज्जत लूट के पीछे उसको राशन का दिलासा दे के उसको फुहारा दे के उस अस्पताल के पास में उछल के चला गया। हमारी गली गली में देख ले पानी है, पानी है, हमारे गरीब की अदालत हो जावे, हक हमारा इंसाफ हो जावे। नाज़रीन, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों सिंध के इलाके सांगड़ा में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जिसमें एक कम उम्र लड़की को राशन का बहाना देकर दो दिन तक दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। एक तरफ सैलाब जैसी आफत ने हमें घेरा हुआ है, दूसरी तरफ इन जैसे दरिंदों ने नाजायज फायदा उठाते हुए इस मासूम लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो पता चला कि वो मुतासरा बच्ची इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है, अपनी जिंदगी और बेबसी को लेकर अंदर से चीख चीख के पुकार रही है कि कोई तो हो जो उसको इंसाफ दिला दे। आइए आपको इस बच्ची की पुकार इसकी जुबानी सुनाते हैं। दिया भारती साहब, मैं सुबह से मेरे घर से मैं पैसे लेके मैं सब्जी लेने गई थी, मेरे को राशन का दिलासा दिया गया, मुझे रक्षे में बिठा के ले जा के मुझे नशा दिया, मेरे से नाइंसाफी की। हम जत्ती में हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ, उनों का नाम है दिलशेर और खालद, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। वे मुझे पानी पिलाया, मैंने पानी समझ के पी लिया, फिर मेरी आंखें गहरी हुई, मेरे को कुछ पता नहीं चला। बात यहां तक खत्म नहीं होती। जब हमारी रिपोर्टर ने उनके घर की जानिब रुख किया तो पता चला कि सैलाब के बायस ना तो उनके पास कुछ खाने को है और ना कोई ऐसी छत बची है जहां वो अपना सर छुपाकर जिंदगी गुजार सकें। इंतहाई तंग दस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर लड़की के घर की फुटेज भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह ये लोग अपनी जिंदगी की तलखियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। इतने मसाइब होने के बाद इस लड़की साथ ये सलूक किया जाना हमारे मुआशरे के लिए एक सवालिया निशान है। आइए आपको बच्ची की माँ से मिलवाते हैं, वो क्या कहती हैं इस बारे में। सब्जी लेने गई थी बेटी, सब्जी लेने उसको जोरी जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसको राशन का दिलासा दे के उसको जोरी से चिंची में लेके उसको कमरे में बंद, उसकी इज्जत लूट लिया, कमरे में बंद कर दिया, उसको पहले नशा दे के बेहोश करके इज्जत लूट के पीछे उसको राशन का दिलासा दे के उसको फुहारा दे के उस अस्पताल के पास में उछल के चला गया। हम दो दिन उसको बेटी को ढूंढा था, कोई भी नहीं मिला। हम 5-6 दिन का भूखे ही बैठा है, किधर हमारे कमाने वाला बेटा भी बेहोश हो गया। इज्जत का असूल है, इज्जत से मैं किधर सो, अब तो मजूरी भी नहीं है, किधर मजूरी करके जाए। हम पानी के बीच में बैठे, हमारे बच्चे छोटे छोटे को बुखार हो गया, हमारी गली गली में देख ले पानी है, पानी है, हमारे गरीब की अदालत हो जावे, हक हमारा इंसाफ हो जाए।